कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तीसरी बार प्रदेश में चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी 10 अक्टूबर को बीकानेर जिले के दौरे पर रहेंगे। हालांकि राहुल के इस दौरे की आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। सचिन पायलट का कहना है कि राहुल 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जिसकी घोषणा जल्दी ही हो सकती है। पीसीसी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के बीच मतभेद स्पष्ट हैं। तो वहीं पायलट ने गौरव यात्रा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की ओर निकाली जा रही पूरी तरह विफल हुई है और आधी अधूरी यात्रा का समापन किया जा रहा है। पायलट ने कहा कि प्रदेश में सभी जगह यात्रा का विरोध हुआ और भरतपुर में तो संभाग में विरोध के चलते मुख्यमंत्री जा भी नहीं सकी। लेकिन हाल में विशेष रूप से उपचुनाव हारने के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष लेकर भाजपा में झगड़ा हुआ था, उसमें एक बात स्पष्ट हो गई थी कि भाजपा का जो केंद्र नेतृत्व है उसकी एक अलग राप है, अलग राय है, अलग रास्ता है और वसुंधरा जी का अलग रास्ता है। अब टिकट वितरण की कमेटी बनी है, चुनाव प्रबंधन कमेटी बनी है, उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ एक सदस्य है, संचालन कोई और करेगा, कन्वीनर कोई और है। रोज़ अखबार में आ रहा है कि अमित शाह जी ने अलग अलग कमेटी गठित की हैं जो टिकट वितरण में